बरेली जिले में पहले आम जनता निशाने पर थी, लेकिन अब पुलिस वालों पर भी हमले हो रहे हैं। पुलिस वालों पर हमले का यह मामला फतेहगंज पश्चिमी के थाने का है, जहां हिंदू युवा वाहिनी के एक नेता ने पुलिस से अभद्रता की, उसके बाद कांस्टेबल की वर्दी फांस दी। दरअसल हिंदू युवा वाहिनी के नेता संजीव इलाके में रामलीला देख रहे थे, इस बीच उन्होंने शराब की बोतल निकाली और खुलेआम पीने लगे। शराब पीने के बाद संजीव अपने साथियों से उलझ गया और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन संजीव उल्टे पुलिस से उलझ गया। पुलिस संजीव को थाने लेकर आई, यहां भी वह शांत नहीं हो रहा था। शराब के नशे में हिंदू युवा वाहिनी का यह नेता जमकर हंगामा कर रहा था। एक कांस्टेबल ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उनकी वर्दी फाड़ दी। पुलिस से मारपीट का यह वीडियो वायरल हो गया है। मौके पर सीओ एसपी ग्रामीण समेत भारी पुलिस बल पहुंच गया और हंगामा कर रहे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कल शाम के समय गश्त के दौरान लगभग रात के 10 बजे के आसपास जब गश्त हो रही थी, उसमें कस्बा फतेहगंज पश्चिमी के अंतर्गत जो चौकी इंचार्ज हैं उन्होंने दो लोगों को आपस में झगड़ते हुए पकड़ा। उसमें से एक आदमी नशे में था। जब उनको थाने पर लाया गया संजीव नाम के व्यक्ति को, तो वहाँ पर उनके साथ उनके पीछे पीछे कुछ और लोग आ गए और उन लोगों ने आकर थाने पर हमारे सिपाहियों के साथ कुछ बदतमीजी की। तो जो नशे में जो संजीव था उसने सिपाहियों के साथ जब हाथापाई करने लग गया और उसमें क्योंकि बहुत नशे में था तो उसको कंट्रोल करने में थोड़ी हमें दिक्कत आई और उसकी वजह से कुछ बटन टूट गए और जो सिपाही हैं उनके बटन टूटने के कारण वर्दी में थोड़ी खराबी आई और जिस कारण बाद में इन पर मुकदमा दर्ज करके सभी लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी लोगों के प्रयास। पुलिस के साथ मारपीट की गई है, कुछ हथियार भी उनके पास थे? हाँ, उसमें जैसा बताया जा रहा है कि शायद उनके पास और भी कुछ थे चीज़ें, लेकिन मारपीट वाली बात नहीं है। वो नशे में जो व्यक्ति था और इनके साथ जो एक दो सपोर्टर थे उन लोगों ने खींचतान की है, जिसमें बटन टूट गए हैं और इस पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, इसकी भी जांच कराई जा रही है। अगर इस तक कोई बात है तो उसके उसमें उसकी जांच कराई जा रही है।